Hello everyone, welcome back to Bilkul Agree. So here is the previous year question paper of AFO mains. AFO mains ka jo 2018 and 19 ka question paper hai, wo aaj hum discuss karenge, and we'll discuss about how to deal with the questions and what is the language and what type of questions are asked every year. Kis tarah ka pattern jo hai every year set hota hai, wo sari cheeze hum yahan pe discuss karne wale hai. So let's move forward. तो देखिए 2018 और 19 का जो क्वेश्चन पेपर था, इसमें करंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे. ओके, एवरी ईयर एएफओ मेंस का जो पैटर्न होता है वो चेंज होता है. एक जो है, अगर आप इस ईयर की बात करें 2018-19 की, तो इसमें करंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे एंड बहुत ही रीसेंट करंट के क्वेश्चन पूछे गए थे. इसमें जो स्कीम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे वो बहुत ज़्यादा पूछे गए थे. आपका अगर क्वेश्चन पेपर देखा जाए तो 60% जो क्वेश्चन पेपर था, इवन मोर देन 60%, वो आपका करेंट पे बेस्ड था. ओके, नाउ इसको देखते हुए, 2018-19 के क्वेश्चन पेपर को देखते हुए, स्टूडेंट्स जो हैं वो 2019-20 में पूरा करेंट प्रिपेयर करके गए थे, पूरा करेंट प्रिपेयर करके गए एंड वहाँ पे क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव ज़्यादा पूछे गए. तो जो क्वेश्चन पेपर है वो इस तरह से शफल होता जाता है. जरूरी नहीं है कि एवरी ईयर आपको करंट से पूछा जाए और एवरी ईयर आपको सब्जेक्ट से पूछा जाए. तो यू हैव टू बैलेंस दीज कॉन्सेप्ट. आपको करंट को भी लेके चलना है और आपको सब्जेक्ट को भी साथ में लेके चलना है. अगर रिसेंटली जो है कोई इम्प्रूवमेंट किसी स्कीम में आया है, रिसेंटली कोई गाइडलाइंस चेंज हुई हैं, तो वो गाइडलाइंस जो है एग्जाम से पहले यू हैव टू रिव्यू दोज गाइडलाइंस, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. एंड सब्जेक्ट जो है वो तो आपको जो है यहाँ पे अपने सारे जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट वो आपको क्लियर करने ही करने हैं. तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ मीडियम टाइप ऑफ रूरल गोडाउन. रूरल गोडाउन की मीडियम कैपेसिटी पूछी गई थी. ये आपका नाबार्ड नोम से आया था क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन था नाबार्ड नोम से. नाबार्ड नोम में बताया गया है और मिसलेनियस में ये जो है कवर किया गया था टॉपिक. तो देखिए, इसमें 500, 1000 एंड 2000 मिलियन टन जो है कैपेसिटी है मीडियम गोडाउन की. उसके बाद पूछा गया था, फॉर हाउ मच टाइम पीरियड वी कैन स्टोर फूड ग्रेन इन रूरल गोडाउन. रूरल गोडाउन में फूड ग्रेन को कितने लंबे टाइम तक जो है स्टोर किया जा सकता है. तो उसका आंसर था 9 months के लिए. ओके, उसके बाद हाउ मच एरिया इन परसेंटेज इज कवर्ड अंडर स्टोरेज इन रूरल गोडाउन. कितना जो है परसेंटेज कवर किया जाता है अंडर स्टोरेज इन रूरल गोडाउन. तो 70% एरिया जो है यहाँ पे कवर किया जाता है अंडर रूरल गोडाउन में. ओके, उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन था, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोपोगेशन मैथड इज यूज इन ड्रूपी एंड वाइन. कौन सा जो है प्रोपोगेशन मैथड है जो वाइन्स के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, वाइन जो बेसिकली जो क्रीपर्स होते हैं, वाइन बेसिकली जो है जो क्रीपर्स होते हैं उनके लिए कहा जाता है. ठीक है, तो उनके लिए कौन सा प्रोपोगेशन मैथड बेसिकली यूज होता है. तो यहाँ पे इसका था सर्पेंटाइन लेयरिंग जो है वो ड्रूपी एंड वाइन जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है. देखिए, सर्पेंटाइन लेयरिंग होता क्या है. दिस मैथड ऑफ प्रोपोगेशन इज बेसिकली अ मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी लेयरिंग एंड इज डन विद प्लांट पोजेसिंग लॉन्ग टर्म्स. जो लेयरिंग है, मैंने आपको बताया है कि लेयरिंग के डिफरेंट मेथड हमने डिस्कस किए हैं लाइव सेशन में, होता क्या है लेयरिंग और क्या क्या इसके मेथड्स होते हैं, कौन कौन से इसके मॉडिफाइड जो है मेथड हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं. तो सर्पेंटाइन लेयरिंग जो है इसका राइट आंसर था. उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो है करंट का क्वेश्चन है. बनाना इज एक्सपोर्टेड टू गल्फ एरिया. गल्फ कंट्रीज के लिए जो है बनाना को एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से. तो इंडिया की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन यहाँ पे पूछी गई थी कि कौन सी है एक्सपोर्ट मैक्सिमम बनाना टू विच अमंग द फॉलोइंग अरेबियन कंट्री. सारी ऑप्शन में अरेबियन कंट्रीज दी गई थी, तो इसका राइट आंसर था सऊदी अरेबिया. ओके, ये भी जो है करंट का आपका यहाँ पे क्वेश्चन है. ये मैं आपको जो एफओ मेंस में पूछे गए थे उसके आंसर बता रही हूँ. राइट नाउ हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आया हो, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको एपिडा से जो है क्रॉस वेरीफाई करनी है कि एपिडा में करेंटली कौन सा स्टेट है जो राइट नाउ इंडिया की एक्सपोर्ट मैक्सिमम बनाना जहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है. ओके, तो इसका बेसिकली जो है राइट आंसर था सऊदी अरेबिया. उसके बाद देखिए, यहाँ पे रॉटिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन था. रॉटिंग ऑफ स्टेम एट ग्राउंड लेवल डिजीज इज नोन एज. देखिए, पैथोलॉजी और एंटमोलॉजी से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस ईयर. क्वेश्चंस जो है रेज होने की पॉसिबिलिटी है एंटमोलॉजी एंड पैथोलॉजी से. आपको 2 to 3 क्वेश्चन जो है ये मिनिमम में बता रही हूँ, 2 to 3 क्वेश्चन आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम पैथोलॉजी एंड एंटमोलॉजी.
रॉटिंग ऑफ स्टेम, देखिए स्टेम में बताया गया कि ग्राउंड लेवल पे जो रॉटिंग होती है, अगर आप ऑप्शंस को देखो तो ऑप्शंस में आप एलिमिनेशन मेथड भी यहाँ पे लगा सकते हो. विल्ट, देखिए विल्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, विल्ट में पूरा प्लांट जो है वो विल्ट होने लगता है. ओके, लीफ कर्ल में जो है जो सिम्टम्स होते हैं वो लीव्स में पहले अपीयर होते हैं, लीव्स कर्लिंग होने लगती है. उसके बाद लीफ रस्ट, देखिए लीफ रस्ट में क्या होता है, रस्टिंग होने लगती है, रस्ट लाइक पैचेस जो है वो लीफ में आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है, उसके बाद ये वाली जो डिजीज है इट इज नॉट सिमिलर टू रॉटिंग ऑफ स्टेम. रॉटिंग ऑफ स्टेम आपका फूड रॉट में, तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी यहाँ पे जो है ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते थे. उसका राइट आंसर था फूड रॉट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेगिंग एंड पॉड फॉर्मेशन स्टेज हैज अकर्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग. देखिए अब यहाँ पे बताया गया था कि पेगिंग किस में होती है, तो पेगिंग डायरेक्टली आपका अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ग्राउंडनट में पेगिंग होती है. ओके, पेगिंग बेसिकली जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो इन ग्राउंडनट, दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज फाउंड इन ग्राउंडनट. तो पेगिंग जो है पेग फॉर्मेशन आपकी ग्राउंडनट की जो है क्रिटिकल स्टेज भी है वाटर स्ट्रेस की, तो ग्राउंडनट इसका जो है राइट आंसर. उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप हैज लोएस्ट सीड रिप्लेसमेंट रेशियो. देखिए सीड रिप्लेसमेंट रेशियो आपको सीड टेक्नोलॉजी में बताया गया होगा रिसेंटली कौन सा है. यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था 2018-19 में उसका आंसर था ग्राउंडनट. ओके, सीड रिप्लेसमेंट रेट होता क्या है, सीड रिप्लेसमेंट रेशियो इज मेजर ऑफ हाउ मच ऑफ टोटल क्रॉप एरिया वाज शोन विद सर्टिफाइड सीड इन कंपैरिजन टू फार्म सेव्ड सीड्स. तो ये बेसिकली होता है सीड रिप्लेसमेंट रेट. ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका स्कीम से ई नाम के रिगार्डिंग था. ई नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जाम, आपका जो एफओ अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए भी जो है ये इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी ई नाम इज इंपॉर्टेंट. तो 2016 जो है इसका लॉन्च जो है, देखिए स्कीम के लॉन्च जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पर्टिकुलरली अगर मैं बताऊँ आपको ई नाम का, फसल बीमा योजना जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसकी स्कीम, और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हो गया आपका, कृषि विकास योजना, ये सारी जो स्कीम्स हैं इनके लॉन्च ईयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसका राइट आंसर था 2016, डायरेक्ट क्वेश्चन था, और यही डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जो आपके जो इम्प्रूव इसमें एक्यूरेसी आपकी बेसिकली जो है वो एग्जैक्ट होती है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जिससे आप अपने जो मार्क्स होते हैं, अपना जो स्कोर होते हैं उसे इंक्रीज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट पूछा गया था आपका फसल बीमा योजना से प्रीमियम पूछा गया रवि क्रॉप्स के लिए, तो रवि क्रॉप्स के लिए प्रीमियम 1.5, ये जो है उस समय जो क्वेश्चन पूछा गया था 1.5 फॉर द रवि क्रॉप्स. नेक्स्ट पूछा गया था व्हाट इज द प्रीमियम रेट फॉर कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो उसके लिए जो है आपका 5% जो है इसका आंसर था जो क्वेश्चन 2018-19 में पूछा गया था, 5% बेसिकली हॉर्टिकल्चर एंड कमर्शियल क्रॉप के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप है CRI एज क्रिटिकल इरीगेशन स्टेज. CRI होता है क्रिटिकल CRI बेसिकली जो क्रिटिकल इरीगेशन स्टेज होती है जहाँ पे वाटर स्ट्रेस होने का सबसे ज़्यादा जो है पॉसिबिलिटी होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल इरीगेशन स्टेज. तो CRI बतानी थी कि कौन से क्रॉप की क्रिटिकल स्टेज है. CRI बेसिकली क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज होती है, और ये होती है आपकी वीट में. इट इज़ वेरी मच क्लियर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पॉइंट है रिगार्डिंग द वीट. तो क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज जो होती है, हेडिंग स्टेज आर द क्रिटिकल स्टेज व्हेन द प्लांट सफर्स मोस्ट ड्यू टू मॉइस्चर स्ट्रेस. तो इस स्टेज में वाटर को जो है वो बेसिकली बहुत ही एडिक्वेट अमाउंट में और जितना प्लांट को रिक्वायर्ड होता है उतना देना बहुत ही ज़्यादा जो है नेसेसरी होता है. तो इसी तरह से देखिए, इस तरह से क्वेश्चन जो है जैसे वीट से पूछा गया है, ग्राउंडनट इसमें इंपॉर्टेंट है कि ग्राउंडनट का जो क्रिटिकल स्टेज है वो क्या होता है. इसमें मेज इंपॉर्टेंट है, आपको राइस का क्रिटिकल स्टेज पता होना चाहिए, शुगर केन का पता होना चाहिए, ओके मेज का पता होना चाहिए. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप हैं जिनके क्रिटिकल स्टेज जो है आपको पता होनी चाहिए. आपके अगर जो है बात की जाए पल्सेस में तो चिकपी का आपको पता होना चाहिए, सोयाबीन का पता होना चाहिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं. कॉटन का पता होना चाहिए. तो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्रॉप बताई है इनमें सबका आपको जो है क्रिटिकल स्टेज वो नेसेसरी है और रिक्वायर्ड है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता हो. उसके बाद देखिए फसल बीमा योजना के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वो स्टार्टिंग विद विच, डायरेक्ट क्वेश्चन है एंड 2016 जो है इसका आंसर था. देखिए करंट से दो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे स्कीम के रिगार्डिंग, जिसमें आपका इंश्योरेंस स्कीम जो थी फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री PMFBY एंड आपका ई नाम के रिगार्डिंग पूछा गया था. तो ये बेसिकली जो है आपके करंट के क्वेश्चंस हो गए. तो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके लिए जो है एक्यूरेसी यहाँ पे 100% होती है अगर आपको पता है
कोई कंफ्यूजन नहीं होता लैंग्वेज के ऊपर, सो यू कैन डील विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वेरी वेल अगर आपको स्कीम्स पता है और आपने करंट को अच्छे से कवर किया है. नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच अमंग द फॉलोइंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैज लोएस्ट प्रोडक्शन. देखिए लोएस्ट प्रोडक्शन उस टाइम पे पूछा गया था आपको कि लोएस्ट प्रोडक्शन उस ईयर का जो 2018-19 में जो क्वेश्चन पेपर आपका आया था उसमें आपको कुछ पूछा गया था कि कितना जो है 2017 में जो प्रोडक्शन है उसमें लोएस्ट प्रोडक्शन किसका था, तो इसका आंसर था मेडिसिनल क्रॉप. ओके नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैज लोएस्ट प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी वही अगेन आपको 2017-18 की पूछी गई थी, ठीक है, तो इसमें जो है आपका मेडिसिनल था अगेन लोएस्ट प्रोडक्टिविटी में, ठीक है. नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैज हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन 2017-18. देखिए एयर कैन बी 2016-17, ओके, बट कुछ जो है वही आपको अगर 2018-19 का पेपर है 2018-19 का, तो इससे पहले ईयर का ही जो है डेटा आपसे पूछा गया. तो यहाँ पे हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी तो वेजिटेबल क्रॉप्स की थी उस ईयर में हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी. ये बेसिकली जो है करेंटली जो आपका डेटा निकलता है मिनिस्ट्री से उसमें जो है ये सारी चीज़ें बताई गई थी कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप का कितना प्रोडक्शन उस ईयर में हुआ और कितना जो है उसमें टोटल फ्रूट का प्रोडक्शन कितना हुआ, वेजिटेबल का प्रोडक्शन कितना हुआ, तो उसी में जो है ये सारी चीज़ें बताई गई थी. तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैज हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन वेजिटेबल, ये था आपका जो है वेजिटेबल में था हॉर्टिकल्चर क्रॉप में कि इसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा थी. उसके बाद Which institute has developed goat pox scheme? The goat pox vaccine, sorry, goat pox vaccine जो है वो IVRI आपका Institute of Veterinary Research जो है आपका Indian Institute of Veterinary Research ये आपका जो है इज्जतनगर में located है. इसके regarding भी question एक बार raise हुआ है, ये पूछा गया है कि IVRI जो है वो आपका कहाँ पे है और कब ये establish हुआ है. तो ये आपका इज्जतनगर में है उत्तर प्रदेश में और यहीं पे जो है goat pox vaccine develop हुई है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKY के अंदर जो है कितना सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है अगर एसिडिक सॉइल को रिक्लेम या रिकरेक्ट करना हो, तो 15,000 जो है सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, ये भी क्वेश्चन आया था. इसके लिए सॉइल रिक्लेमेशन स्कीम जो है उसके अंदर यहाँ पे बताया गया है कि एसिडिक के लिए कितना है और एल्कलाइन के लिए कितना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर कवर लोएस्ट एरिया अंडर फार्मिंग, वो कौन सी रिवर है जो फार्मिंग में लोएस्ट एरिया कवर करती है, तो उसका आंसर था इंडस रिवर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग बायो फर्टिलाइजर डू नॉट प्रोवाइड नाइट्रोजन. देखिए बायो फर्टिलाइजर से भी एक क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड है, प्रीवियस ईयर से और इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है बायो फर्टिलाइजर से. तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में राइजोबियम था जो नाइट्रोजन फिक्स करता है, एजोटोबैक्टर ऑल्सो, एस्पिरेजिलियम था एसिडोबैक्टर था, तो इसका जो राइट आंसर था वो था ट्राइकोडर्मा वेरिटी जो कि बायो नाइट्रोजन प्रोवाइड नहीं करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन था विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट लेबर वेजेस पर डे, इसका आंसर था हरियाणा. नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज लोएस्ट लेबर वेजेस पर डे, लोएस्ट लेबर वेजेस इसका आंसर था त्रिपुरा, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर कवर्ड अंडर लीड बैंक स्कीम टिल नाउ. देखिए ये 2018-19 का क्वेश्चन पेपर है, तो उस समय जब एग्जाम हुआ था उस समय पूछा गया था कि टिल नाउ कितने जो है डिस्ट्रिक्ट कवर किए गए हैं लीड बैंक स्कीम के अंदर, तो 706 जो डिस्ट्रिक्ट थे वो कवर किए गए लीड बैंक स्कीम के अंदर. ये मिसलिनियस के अंदर जो है ये टॉपिक कवर किया गया है, व्हाट इज लीड बैंक स्कीम क्या है और लीड बैंक स्कीम के क्या क्या गाइडलाइंस हैं, ये सारी चीज़ें जो है कवर की गई हैं. तो प्लीज़ आप वहाँ से जो है इस स्कीम को इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी ग्राफ साइन कैन बी टेकन फ्रॉम सिंगल प्लांट अकॉर्डिंग टू नाबार्ड. ये नाबार्ड नोम्स से क्वेश्चन आया है, तो इसका राइट आंसर था 25. नाबार्ड नोम्स में मिसलेनियस में ये बताया गया है, तो इसका राइट आंसर था 25. नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज लोएस्ट ग्राउंड ब्रैकिश वाटर इन इनलैंड एरिया, तो इसका आंसर था कर्नाटका. अगेन जो है ये करंट के रिगार्डिंग डेटा के रिगार्डिंग स्टेटिक क्वेश्चंस भी जो है पूछे गए थे 2018-19 के क्वेश्चन पेपर में, तो ये स्टेटिक डेटा है, तो इसका आंसर था कर्नाटका. उसके बाद देखिए, व्हाट इज अ सब्सिडी फॉर 50 HP MB Plo मतलब मोल्ड बोल प्लो फॉर SC ST एंड वुमेन अकॉर्डिंग टू सबमिशन ऑफ जो आपकी मैकेनाइजेशन स्कीम है उसके अकॉर्डिंग. तो इसके लिए आपको जो इसकी वेबसाइट है वो विजिट करनी है और वहाँ से आपको देखना है कि कितनी सब्सिडी जो है वो SC ST एंड वुमेन के लिए यहाँ पे दी गई है. उस टाइम पे जो है जो आपका सबमिशन ऑफ मैकेनाइजेशन स्कीम है इसकी गाइडलाइंस चेंज हुई थी, इसीलिए रिसेंटली जो है गाइडलाइंस चेंज हुई थी, तो आपको जो है एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे.
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लोन फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्टिविटीज स्कूल हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड सैनिटेशन फैसिलिटी इन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। देखिए प्रायोरिटी सेक्टर PSL की जो गाइडलाइंस हैं वो भी फिर चेंज हुई हैं अभी रिसेंटली 2020 में चेंज हुई है, तो यू हैव टू रिविजिट द RBI वेबसाइट। ठीक है, RBI की वेबसाइट को आपको रिविजिट करना है और वहाँ से प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की जो पूरी गाइडलाइंस है उनको दोबारा से जो है आपको देखना है। इसमें एक जो है और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में एक और जो है फील्ड को ऐड किया गया है। तो देखिए ये बेसिकली जो है आपका 5 करोड़ का था उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सोशल एक्टिविटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ जो होती हैं स्कूल्स के लिए हेल्थ के लिए मतलब हॉस्पिटल्स हो गया इनके लिए कितना लोन जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर दिया जाता है उस टाइम पर, तो 5 करोड़ इसका आंसर था। उसके बाद देखिए हाई वॉल्यूम स्प्रे फ्लूड क्वांटिटी कितनी होती है हाई वॉल्यूम स्प्रे की, तो ये था मोर देन 400 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्रैक्टर ड्रॉन पावर हैरो कैपेसिटी, ट्रैक्टर ड्रॉन पावर हैरो कैपेसिटी इसकी बतानी है, तो इसकी 1.5 इसकी जो है कैपेसिटी थी ट्रैक्टर ड्रॉन पावर हैरो की। उसके बाद हाउ मेनी क्रॉस ब्रीड आर टेकन विथ फिश कल्चर इन 1 हेक्टेयर लैंड, देखिए आपको बताया कि हाउ मेनी क्रॉस ब्रीड काओ की यहाँ पे बात हो रही है कि क्रॉस ब्रीड काओ जो होती हैं टेकन विथ फिश कल्चर के साथ, फिश के साथ जब आपका जो है बेसिकली क्रॉस ब्रीड को कल्चर करते हो कंबाइन बेसिकली जो है इंटीग्रेशन फार्मिंग करते हो, तो उसमें कितनी क्रॉस ब्रीड काओ जो है वो होती है, 5 जो है इसका आंसर था। और ये आपका जो है बेसिकली नाबार्ड नोम्स में कवर किया गया है, नाबार्ड नोम जो कि मिसलेनियस में कवर किए गए हैं बाय गुरुकुल एग्री। नेक्स्ट देखिए विच अमंग द फॉलोइंग हैज हाई इरीगेशन सेंसिटिविटी, यहाँ पे बताया गया कि इरीगेशन सेंसिटिव क्रॉप कौन सी है, तो ये कैबेज इसका राइट आंसर था। ठीक है, कैबेज वॉज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। फिर उसके बाद देखिए विच अमंग द फॉलोइंग इज मीडियम टू हाई इरीगेशन सेंसिटिव क्रॉप, इसका आंसर था वीट, ये भी आपके एग्रोनॉमी में कवर किया गया है कि किस कौन सी क्रॉप जो है वो मीडियम सेंसिटिव है और कौन सी क्रॉप जो है वो हाईली सेंसिटिव है इरीगेशन के लिए टुवर्ड्स इरीगेशन, इसका पूरा टेबल जो है आपको दिया गया है। नेक्स्ट देखिए विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट एल्कलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है, तो इसका राइट आंसर था UP। नेक्स्ट pH पूछा गया था आपको एसिडिक सॉइल का, तो देखिए एसिडिक सॉइल का यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेस देन 5.5 जो है राइट आंसर था। कई बार जो है आपको ऑप्शन में यहाँ पे 7 था 8 था 11 और 7.5 ये सारे ही जो है बेसिकली एसिडिक pH में नहीं आते हैं, तो सॉइल से जो है एसिडिक या एल्कलाइन इनके पीएच जो है एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, या फिर इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पूछा जाएगा, या इनकी जो है कुछ भी प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जा सकती हैं। अब तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कुछ जो है रीजनिंग फॉर्म में आ रहे हैं, आपको कैरेक्टर्स दिए गए हैं ऑप्शंस में और आपको ऑप्ट आउट करना है या आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है या कौन सा कैरेक्टर है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, तो इट कैन बी एनीथिंग इन द एग्जाम, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे है 5.5। उसके बाद देखिए व्हाट इज द एमएसपी ऑफ वीट अकॉर्डिंग टू 2017-18, वीट का एमएसपी पूछा गया था 2017-18 का, तो उसका राइट आंसर था 1735 रुपये। उसके बाद देखिए राइस का एमएसपी था, उसका राइट आंसर था 1550 रुपीज। तो एमएसपी के रिगार्डिंग भी जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो देखिए एमएसपी में आपको जो है जो मेन क्रॉप है जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, ओके, ग्राउंडनट, कोकोनट, ओके, कोकोनट हो गया आपका, एंड शुगर केन हो गया। ठीक है, शुगर केन का क्या जो है आपका फेयर एंड रिमुनरेटिव प्राइस जो है वो क्या है, उसके बाद MSP आपका कब जो है बेसिकली अनाउंस किया जाता है एंड कौन इसे सजेस्ट करता है, कौन इसे अनाउंस करता है, ये सारी चीज़ें जो है क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो दो क्वेश्चन आपके MSP से थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम इज मेजर वेन्स रिमेन ग्रीन टॉप वेन बिकम शॉर्ट एंड स्लेंडर एंड क्लोजेस ऑन द लीफ, तो इसका राइट आंसर था आयरन। ओके, नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द RPM ऑफ रोटेटरी डीलर, रोटेटरी डीलर का RPM पूछा गया था, तो 180-200 जो है इसका राइट आंसर था। ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से क्वेश्चन था इस टाइम पे जो 2018-19 का था, इसमें जो करेंट के क्वेश्चन थे और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो भी उनमें से कुछ क्वेश्चन जो है करेंट के वो आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से पूछे गए थे और कुछ आपके एक दो जो है वो सब्जेक्ट से भी पूछे गए थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया इन विच टाइप ऑफ टीलेज 15-30% रेजिड्यू लेफ्ट ऑन सॉइल सरफेस, तो देखिए लेफ्ट ऑन सॉइल सरफेस ये बेसिकली था आपका रिड्यूस टीलेज, इसका राइट आंसर था। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट इन विच डिजीज गॉल फॉर्मेशन ऑफ रूट अकर, गॉल फॉर्मेशन कौन सी डिजीज में होते हैं, तो देखिए रूट नॉट निमेटोड जो होते हैं वो गॉल फॉर्मेशन जो है
अकर कर क्रिएट करते हैं, फॉर्म करते हैं किसी भी प्लांट में. अगर आप देखो इनमें से, तो यहाँ पे लीफ स्पॉट में कोई भी गॉल फॉर्मेशन नहीं होता है. पाउडरी मिल्ड्यू एक फंगल डिजीज है जिसमें व्हाइटिश अपीयरेंस जो है वो प्लांट के ऊपर देखने को मिलती है. लीफ रस्ट में जो है वो रस्ट लीफ में देखने को मिलते हैं. और बैक्टीरियल ब्लाइट के भी कुछ इस तरह के सिम्टम्स नहीं होते हैं. तो इसका राइट आंसर था रूट, नॉट नेमेटोड. उसके बाद देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इंसेक्ट कॉजेज डैमेज इन साइड द स्टेम. यहाँ पे आपको बताना था कौन सा इंसेक्ट है जो आपके स्टेम में डैमेज करता है. तो यहाँ पे देखिए, गॉल मिर्च, ब्राउन प्लांट हॉपर, एफिड, लीफ कर्ल. इसका जो राइट आंसर था वो था शीरो स्टेम बोरर. शीरो स्टेम बोरर जो है वो बोर करता है स्टेम में और फिर स्टेम को डैमेज करता है फ्रॉम इनसाइड. उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन विच अमंग द फॉलोइंग दिस टाइप ऑफ ग्रीन हाउस. ये भी आपका जो है नाबार्ड नॉर्म्स में, नाबार्ड में बताया गया है ग्रीन हाउस के रिगार्डिंग. तो इसका था वुडन फ्रेम जो है वो कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है ग्रीन हाउस का. कौन सा आपका कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड है, कौन सा आपका कवरिंग मटेरियल पे बेस्ड है, तो वुडन फ्रेम जो है इसका राइट आंसर था. उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द कवरिंग मटीरियल विच अमंग द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ ग्रीन हाउस. कवरिंग मटीरियल के अकॉर्डिंग आपको बताना है. तो ग्लास ग्लेजिंग जो है वो कवरिंग मटीरियल है ग्रीन हाउस में. इसका राइट आंसर था ग्लास ग्लेजिंग. उसके बाद देखिए, कैंक्रस स्पॉट फॉर्मेशन अकर इन विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज. देखिए यहाँ पे पैथोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो कैंक्रस स्पॉट आपके बैक्टीरियल कैंकर में आते हैं. इसका डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर था बैक्टीरियल कैंकर. नेक्स्ट देखिए, करंट का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नारी शक्ति पुरस्कार. नारी शक्ति पुरस्कार के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था. तो इसका राइट आंसर था 25 ईयर्स. मिनिमम एज लिमिट जो थी वो थी 25 ईयर्स की. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नारी शक्ति पुरस्कार योजना गाइडलाइन वाज रिवाइज इन विच ईयर. तो देखिए, उसी ईयर जिस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है 2018-19, उसी ईयर जो है नारी शक्ति की गाइडलाइंस रिवाइज की गई थी. एंड ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया 2018. इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नाइट्रोजन कॉन्टेंट इन इन कैन फर्टिलाइजर. ये है आपका कैन फर्टिलाइजर. ओके, तो इसका था 25 वॉज द राइट आंसर. उसके बाद देखिए, कुछ क्वेश्चन जो थे 55 to 60, मतलब पास 5 to 6 क्वेश्चन जो है अराउंड आपके पूछे गए थे नाबार्ड के अकॉर्डिंग. देखिए, वुमेन एंड मैन फॉर वेरियस इंप्लीमेंट अकॉर्डिंग टू नाबार्ड एंड नाबार्ड बैंकेबल नोट्स. ठीक है, नाबार्ड के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन थे आपके सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एंड मेकनाइजेशन के अकॉर्डिंग. तो कुछ क्वेश्चन नाबार्ड बैंकेबल नोट्स के अकॉर्डिंग पूछे गए थे, उसमें आपके लाइफ स्टॉक के कुछ क्वेश्चन थे. एंड उसके बाद जो सब्सिडी के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे वो आपके सबमिशन के अकॉर्डिंग पूछे गए थे. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन, जो इसके लिए जो सबमिशन की स्कीम है वो आपको विजिट करनी है कि क्या गाइडलाइंस राइट नाउ चल रही है वहाँ पे, कौन सा जो है कितने सब्सिडी कौन से इंप्लीमेंट के लिए प्रोवाइड की जा रही है, किस स्कीम के अंदर सॉइल रिक्लेमेशन के लिए कौन सी जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है. तो दिस इज ऑल अबाउट 2018-19. इसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको एज इट इज नहीं मिलेंगे या कुछ क्वेश्चन इसमें से मिसिंग हो सकते हैं. जो मेन क्वेश्चन थे जो कि पूछे गए थे एग्जाम में वो पूरा कवर करने का जो है ट्राई किया गया है. सो आई होप ये आपके लिए वैल्यूबल हो. सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक गाइस फॉर योर एग्जाम.